अनेक जन्मों के पुण्य से मुझे गुरुवर विद्यासागर महाराज की मुनि दीक्षा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 30 जून 1968 को मुनि दीक्षा हुई। मैं उस समय अजमेर के पास ब्यावर शहर है, ब्यावर में एडमिशन लिया था, छुट्टियां थी, तो 29 जून को मैं वहां पर आया अजमेर में, और शाम का टाइम था, गुरु ज्ञान सागर महाराज सामायिक करके थे, फिर मैं उनके पास बैठ गया, बैठा रहा। उस समय ज्यादा समझते नहीं थे, 18 वर्ष का था लगभग। उस समय ब्रह्मचारी विद्याधर जी बहुत अच्छी बॉडी थी, 85 किलो वजन रहा होगा, घुंघराले बाल, दाढ़ी, माला गले में गोटे की माला, धोती दुपट्टा और जनेऊ और मुकुट लगाए हुए आए। मुकुट उतार करके उन्होंने गुरुवर को नमोस्तु किया, ज्ञान सागर महाराज को। तो मैंने प्रत्यक्ष वो आंखों से देखा, 3 बार उनको पीछे से आशीर्वाद दिया, बिंदोरी निकालने के लिए ले जाने वाले थे, और उनके बाद में आए सरसेठ भागचंद जी सोनी, उनको भी 3 बार पीछे लगाकर शुभ आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन उनकी मुनि दीक्षा हुई, मुनि दीक्षा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समय की मर्यादा, इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने धोती दुपट्टा उतार के फेंका, अचानक बहुत गर्मी थी राजस्थान की गर्मी, और 30 जून का महीना वैसे ही बहुत गर्म होता है, अषाढ़ शुक्ला पंचमी, तो अचानक स्वधर्म इंद्र ने मेघ कुमार जाति के देवों को भेजा और बरसात हो गई अच्छी अच्छी। 20,000 लोगों के लिए पांडाल बनाया था, लेकिन लोग हो गए 50,000, क्योंकि अजमेर तो गढ़ है हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, जैनों का भी, सिखों का भी, क्योंकि पास में पुष्कर है और अजमेर की दरगाह है। सब लोग देखने आए और उनकी बिंदोरियों के लिए वो एक खरखर का सर्कस होता है ना, सर्कस, उसमें बहुत सारे हाथी घोड़े सब आए। तो कलेक्टर से वो आज्ञा मांगने गया, तो कलेक्टर ने कहा कि पहले जो ब्रह्मचारी विद्याधर जी की दीक्षा होने वाली है, उनकी बिंदोरी में आपका पूरा सर्कस जाएगा। पुण्य है, पुण्य आगे आगे दौड़ता है, पुण्य से बड़ा मित्र नहीं है कोई, और पाप से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मैंने विद्यासागर महाराज की दीक्षा देखी, फिर मैंने सोचा कि अब गर्मी का मौसम है, अपने कहीं इधर उधर जाना नहीं है। जहाँ उन्होंने रात में विश्राम किया अजमेर में, जो गुरुदेव का चौमासा हुआ है 2012 में, तो सेठ भागचंद जी सोनी जी की नसिया में 84 फीट ऊंचा मानस स्तंभ है, बस मानस स्तंभ के पास वो एक पाटा पे विश्राम किया उन्होंने। हम भी वहीं लेट गए जमीन पर ही, क्योंकि उस समय चटाई उठाई क्योंकि आवश्यकता नहीं है। और सुबह में 3 बजे उठ करके उनके पास खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र जप के नमोस्तु किया। वो रात भर सोए नहीं, बैठे ही रहे पाटे पर। 1 जुलाई को गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज का प्रवचन हुआ, फिर मुनि विद्यासागर महाराज का आहार देखा कि कैसे आहार लेते हैं, सेठ भागचंद जी सोनी की हवेली में आहार हुआ। उसके बाद मैं हर महीने ब्यावर से दर्शन करने आता था, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता था उस समय, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद 22 मई 1969 को मैं संघ में आ गया, अजमेर आया था, तो मेरे को नहीं मालूम कि यहाँ गुरु ज्ञान सागर महाराज विराजमान है, विद्यासागर महाराज विराजमान। ज़्यादा उस समय समझते भी नहीं थे, कोई खबरें भी नहीं आती थी। मैंने सोचा कि अपन से दूर चले विद्यानंद महाराज का, वहाँ उस समय राजस्थान पत्रिका में, दैनिक भास्कर में, दैनिक नवज्योति में, सब में लेख आता था, तो वहाँ चले। लेकिन वहाँ जैसे अजमेर में मैंने दर्शन किए, तो वहाँ एक शुल्लक जी थे, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे बेटे, आप यहीं रहो। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले रत्नकरण श्राव का चार पढ़ाया गुरु ज्ञान सागर महाराज ने, फिर सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाई, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाए, सब ग्रंथों का नाम अभी लेना नहीं है। फिर मुनि विद्यासागर महाराज ने मेरे को इतना वात्सल्य दिया, क्या कहें, यानी इट कैन नॉट बी नरेटेड इन द वर्ड्स, शब्दों में तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो है उस समय 22 वर्ष के थे, 22 वर्ष के थे, और हम जो है 22-23
बेटे से 5 वर्ष बड़े हैं गुरुदेव। अभी जब गुरुदेव अपने अंतर्मना गुरुदेव ने मेरे को शिखर आने के बाद कहा कि जाओ विद्यासागर महाराज के दर्शन करके आओ, तो 13 दिसंबर 14 दिसंबर 15 दिसंबर 16 दिसंबर 2 महीने पहले नेवरा तिलदा में थे वो, रायपुर से 50 किलोमीटर आगे है, वहाँ पंचकल्याणक था, वहाँ गया, रोज पड़गाने के लिए खड़ा होता था। और 15 तारीख के 15 दिसंबर के दिन आहार देने का भी मौका मिला, और 15 दिसंबर के दिन ही मेरे को 20 मिनट गुरुदेव से बात करने का मौका मिला। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी के पास मुनि दीक्षा ले रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, आपका समय आ गया, इतना आशीर्वाद दिया, बहुत खुश हुए वो। और उसके पहले मई या जून, मई के महीने में या जून के महीने में, मई था उस समय, गुरुदेव अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज दर्शन करने गए थे संग सहित, तो मैं एक दूसरी गाड़ी में बैठा था, उस दिन नहीं जा सका। फिर गुरुदेव ने मेरे को, अंतर्मना गुरुदेव दयालु तो हैं ही, उन्होंने फिर मेरे को भेजा, ये शिवम, ये राहुल भैया और एक जने और कोई थे, चौथा कौन थे भैया, हाँ गाड़ी चलाने वाला, और हम चार और दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा, मैं आँखें इसलिए नहीं खोल रहा हूँ फिर भाव को जाऊँगा, फिर कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा। तो मैंने कहा गुरुदेव, उन्होंने आहार होने के बाद वहाँ के जो लोग रहते हैं उन्होंने बंद कर लिया गेट, तो उन्होंने खुद ने आचार्य श्री ने कहा कि जाओ गेट खोलो कि दीपचंद जी को बुला के लाओ। अंदर 20-25 मिनट तक चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव ने कहा कि कितने वर्ष के हो गए, मैंने कहा गुरुदेव अभी 73 में चल रहा हूँ। अच्छा, तो अभी 10 वर्ष जो है और सम्यक दर्शन के साथ में व्रत पालन कर लो तो अपन सब जो है वहाँ शुद्ध स्वर्गों में कुंदकुंद स्वामी मिलेंगे, स्वामी संबंध भद्र स्वामी मिलेंगे, उमा स्वामी मिलेंगे, और गुरु जी ज्ञान सागर जी भी मिलेंगे। पहले पूछा कि कितनी उम्र में आ गए, मैंने कहा गुरुदेव 72-73 में तो हो गए, तो और हमारा फिर उन्होंने क्या कि हमारा कितना हो गया, मैंने कहा गुरुदेव आप 77 के हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी 10 वर्ष जो है और व्रत पालन करो, और उसके बाद मैं कुछ बातें बता रहा हूँ बहुत ही डिटेल संक्षेप में। 69 में सर सेठ, 67 में आ गए थे वो, यहाँ पर गोमेश्वर का अभिषेक करके गुरु ज्ञान सागर महाराज के पास पहुँच गए। 67 में उन्होंने आजीवन नमक का त्याग कर दिया। उन्होंने ज्ञान सागर महाराज ने कहा भाई नाम क्या है कि विद्याधर, कि विद्या पढ़ करके उड़ जाओगे, आजीवन सवारी का त्याग कर दिया और आजीवन नमक का त्याग कर दिया। ये 67 की बात है। और उसके बाद 68 में उनकी दीक्षा हो गई, सेठ भागचंद जी सोनी की नसियाँ, अजमेर में चौमासा हुआ। 69 में भी अजमेर में चौमासा हुआ केसर, और 70 में रेणवाल में हुआ जो फुलेरा सामर के पास है, वो जयपुर जिले में पड़ता है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि गर्मी में जब रेणवाल गए थे तो नदी में रेत बहुत गर्म हो गई थी, 11 बजे विहार किया था आहार के बाद, तत्काल सबका आहार होने के बाद तत्काल विहार कर दिया था। तो उस समय मैंने महाराज ने गुरु ज्ञान सागर महाराज को पीठ पर बैठा कर नदी पार कराई थी, यह बहुत गुरु की सेवा। और गुरु जी जहाँ भी सोते थे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, गुरु जी के पाओं के पैरों के पास ही वो सोते थे गुरु, और में और उनको बहुत उनको भी पढ़ाते थे गुरु ज्ञान सागर महाराज, हमको भी मेरे को भी पढ़ाते थे। और एक विनय सागर नाम सुल्लक जी थे जो जमनालाल जी गंगवाल खाचरी आवास के हैं, उनका परिवार यहाँ भी रहता है, बहुत जगह रहता है, तो उन लोग सबको पढ़ाते थे। मुनि विद्यासागर महाराज ने ऐसा नियम लिया कि 4 महीने तक न चटाई बिछाना, न पाटा बिछाना, न तखत बिछाना, जमीन पर लेटना, यह बहुत बड़ी तपस्या है। और फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ दोपहर में जब प्रवचन होता था तो सामाजिक मर्यादा के कारण तख्त पर बैठने की गुरुजी ने अनुमति दी थी। उसके बाद में 71 में किशनगढ़ मदनगंज में चौमासा हुआ गुरुजी का, फिर 72 में नसीराबाद हुआ, बस वो लास्ट चौमासा था गुरु ज्ञान सागर महाराज का उस समय। और जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था पहले, तो सैकड़ों बार मुनि विद्यासागर महाराज को आहार देने का पुण्य मिला, मेरे को लाभ मिला, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी कि आप विद्यासागर महाराज के साथ जाओगे, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था धोती दुपट्टा पहन करके और रोज आहार देना। और उसके बाद में जब गुरुजी ज्ञान सागर महाराज ने मेरे को भी क्षुल्लक दीक्षा दी थी,
20 अक्टूबर 1972 और मैं सुल्लक अवस्था में सवा 5 वर्ष रहा, 6 जनवरी 78 तक रहा और उसके बाद में स्वास्थ्य खराब हो गया, इसलिए मेरा जैसा नियोग था जैसी भवितव्यता थी 46 ईयर्स मेरा गृहस्थ आश्रम में बीत गया 46 ईयर्स। हाँ एक बात बताना भूला, उन्होंने गुरुजी ने कहा ना, अरे मैंने कहा गुरुदेव मैं अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज के साथ हूँ, अरे कि वो तो कल यहाँ आए थे, यानी इतने खुश होकर के बोले वो, क्योंकि गुरुजी वहाँ से दर्शन करने गए थे पूरे संघ के साथ में जैसा अभी बताया गया। उसके बाद में 71 में 72 में उन्होंने 22 नवंबर 1972 सरबदी दूज बुधवार के दिन आचार्य पद का त्याग करके ज्ञान सागर महाराज ने और मुनि विद्यासागर महाराज को आचार्य पद दिया। उसमें भी बड़ी कसरत हुई थी 2-3 दिन तक, क्योंकि कार्तिक शुद्धि 14 के दिन प्रतिक्रमण करके और गुरु विद्यासागर मुनि विद्यासागर महाराज को बोला उन्होंने कि भाई अब मैं सलेखना में जाना चाहता हूँ और आचार्य पद आपको लेना है। बस 2-3 दिन तक ही भगवान मेरे को और कोई तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे कि इसके अलावा मेरे को कुछ भी दे दो, ये छुल्लक जी बैठे हैं, एक विनय सागर महाराज इनको मुनि बना के इनको दे आचार्य पद दे दो, एक विवेक सागर महाराज हैं उनको बुला के आचार्य पद दे दो, मेरे पर मेरे कंधे पर ये भार मत डालो। लेकिन गुरु जी ने कहा कि भाई देखो गुरु दक्षिणा तो देनी होगी, और वो तो गुरु जी तो ज्योतिषाचार्य थे, ज्ञान सागर महाराज सब जानते थे, उनके तो यहाँ होठ पर ही तिल था सरस्वती तो उनके मस्तक में सदा ही रहती थी। तो इस प्रकार उन्होंने आचार्य पद उनको दिया। फिर 22 नवंबर से लेकर 31 मई तक यानी 5.5 महीने रोज दिन में गुरुदेव 2 घंटे स्वाध्याय होता था 2 बजे से 4 बजे तक नसीराबाद में, भगवती आराधना 2 बार पढ़ा, बीजो दिया टीका उसके सब, और गुरु जी आचार्य विद्यासागर महाराज और हम दोनों गुरु जी की तेल मालिश करते थे और खूब सेवा करते थे। इस प्रकार 1973 में 1 जून को गुरु ज्ञान सागर महाराज की समाधि हो गई। फिर 73 में हम 2 ही बच्चे सिर्फ आचार्य विद्यासागर महाराज जी और उस समय मेरा नाम स्वरूपानंद सागर था, शुल्लक स्वरूपानंद सागर, और एक अलग जी थे जो वो फिर बाद में दूसरे संघ में चले गए क्योंकि वो 80 वर्ष के थे। फिर बाद में यहाँ के मणिभद्र सागर जी आ गए जो महाबल जी के शिष्य थे, बाद में वो ब्रह्मानंद जी बनकर उनकी पीड़ावा राजस्थान में समाधि हो गई 90 वर्ष की उम्र में, अभी 2-4-5 वर्ष पहले। फिर 73 में ब्यावर में चौमासा हुआ, फिर 74 में 25वां निर्वाण महोत्सव था तो केसरगंज में आचार्य सुमति सागर महाराज थे और सेठ जी की नसिया में आचार्य विद्यासागर महाराज, शुल्लक मणिभद्र सागर जी, एक शुल्लक जी और आ गए थे श्रेयान सागर जी और मैं 4 पीछी थी। 1974 का चौमासा करने के बाद में फिर राजस्थान से निकले, राजस्थान से निकले उसके बाद में राजस्थान को एक भी वर्षा योग नहीं मिला 1974 के बाद में। 67 मिल गया ब्रह्मचारी अवस्था में, 68 मिल गया, 69 मिल गया, 70 मिल गया, 71 मिल गया, 72 मिल गया, 73 मिल गया और 74 मिल गया, 8 चौमासे उनके और उसी एरिया में हुए। उसके बाद में 1975 में फिरोजाबाद पहुंचे, फिरोजाबाद में चौमासा हुआ, उस समय हम 2 ही थे आचार्य विद्यासागर महाराज जी और हम, और ये शांति जो समय सागर योग सागर जी महाराज हैं ये 11 समय सागर जी 11 वर्ष के थे उस समय, 68 का उनका बर्थ है, वो अजमेर में आए थे। फिर उनकी समय सागर जी की, योग सागर जी की, नियम सागर जी की और एक प्रवचन सागर जो अभी सतलगा में है उनका नाम भूपाल है, वो लगभग 70 वर्ष के हो गए, उनकी भी दीक्षा हुई थी, प्रवचन सागर, नियम सागर, योग सागर, समय सागर, फिर समय सागर जी को मुनि दीक्षा दी। फिर 76 में कुंडलपुर में चौमासा हुआ बड़े बाबा के यहाँ, बस 76 तक मेरे को साथ रहने का, गुरु के चरणों में रहने का मौका मिला, लेकिन मैं बहुत अनाड़ी था, मेरे को ज्यादा कोई नॉलेज नहीं था मेडिकल का। डॉक्टर साहब एक बार क्या हुआ कि गुरुदेव की आंख में बहुत जलन हो रही थी, गुरुदेव आचार्य श्री, तो मैंने उठा के मैंने कहा जलन हो रही आंखों में तो कोई ठंडी चीज डाल दूं, तो मैंने चंदन का तेल डाल दिया, अब उस चंदन में स्प्रिट हुई थी तो आंखों से उनके खून आ गया, मैं रोने लग गया। तो गुरु ने कहा अरे भाई नारायण कृष्ण ने और बलभद्र ने द्वारिका की अग्नि को बुझाने के लिए जल डाला था लेकिन वो जल ही घी बन गया, इसमें आपका कुछ भी दोष नहीं है, मेरे कर्म का दोष है, आपने तो अच्छा किया जो मेरी। उसी समय डॉक्टर शेखर जैन थे के वो आए, अरे ये किस बेवकूफ ने ये डाल दिया है ऐसा, तो मेरे को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन गुरुदेव ने कभी क्रोध किया ही नहीं, कभी नहीं किया क्रोध। और उसके बाद में फिर मेरा इधर में समय बीता और अभी जब आशीर्वाद लेने गया
अंतर्मना गुरुदेव ने कहा जाओ आचार्य विद्यासार मार्गदर्शन करने आओ, तो 13 तारीख को वहाँ पहुँचे। गुरुदेव ने खुश होकर बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से और गुरुदेव की कृपा से मेरे को जो है गए मुनि दीक्षा दे दी और संघ में सबका बहुत वात्सल्य है। और आचार्य विद्यासागर महाराज अंतर्मना से इसलिए खुश हैं, इसलिए ज्यादा प्रसन्न हैं कि ऐसा साधक पूरे विश्व में नहीं है। दिगंबर जैन समाज की बात तो छोड़ो, क्या समझे 557 दिन, और वो भी गुरुदेव का पुण्य तो देखो, क्योंकि अगले जन्म में तीर्थ बनने वाली जीव है, तो कहां सम्मेय शिखर जी के स्वर्ण पत्र कूट पर आराधना करना, साधना करना। इसलिए मैं तो गुरु ज्ञान सागर महाराज जी का, आचार्य विद्यासागर महाराज जी का बहुत 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 मेरे उपकार मानता हूं, अनंत अनंत उपकार मानता हूं कि उन्होंने मेरे को जैन धर्म पढ़ाया और जैन धर्म के संस्कार दिए।